अगर अकेला बंदा अपनी गाड़ी लेके मेवात से रात में निकल जाए तो मेरी गारंटी की बात है, इस मेवात में एक भी चौकी एक भी थाने की जिप्सी ऐसी नहीं होगी जिस पे जाली नहीं लगी हो। मुझे आप रीजन बता दीजिए क्यों जाली लगा के रखी हुई। मेवात के अंदर हफ्ते में 2-3 न्यूज बहन बेटी के साथ बलात्कार की आती है। इनका एक गिरोह ट्रक उठाता है, गाड़ियां उठाता है, दूसरा गिरोह गौ तस्करी करता है, तीसरा गिरोह काटता है, चौथा गिरोह उनको बाजार में बेचता है। ये एक हीनियस किराए में जिसको ये सब मिलकर कर रहे हैं। हम लोग बहुत पहले से ये मांग कर रहे हैं कि मेवात को कैंट बनाना चाहिए। मेवात एरिया को कैंट अगर घोषित कर दे केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार मिलकर, तो गौ तस्करी पर कम से कम 50% तक रोक लग जाएगी। आज से 6 महीने साल भर पहले पता था जैसे जैसे राजस्थान का इलेक्शन नजदीक आएगा गौ रक्षकों को टारगेट किया जाएगा हिंदू मुस्लिम करने के लिए। गौ तस्करों का सपोर्ट करते करते ये सरकार आज की डेट में पूरे भारत से खत्म हो चुकी है। राजस्थान में भी ये भगवा लहराएगा। बिल्कुल लहराएगा, किसी के बाप की औकात नहीं है। रोक आप लोग मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं।